हाय गाइस, माय नेम इज़ संजू सिन्हा। वेलकम टू माय फूड चैनल महक रसोई। आज फिर मैं आई हूँ एक नई रेसिपी लेके, आलू वाले नमकीन चावल, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और सर्दियों में हर किसी को पसंद होता है गरम गरम राइस खाने का। तो आलू वाले चावल देखते हैं कैसे बनाते हैं और क्या क्या चाहिए। उसके लिए हम लेंगे 2 मीडियम प्याज और उसके लंबे लंबे हम स्लाइस कर लेंगे। 8 से 10 कलियाँ हम लहसुन की लेंगे, उसको भी कट कर लेंगे, उसको भी साइड रख देंगे। और हम 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे, उसको भी कट कर लेंगे, काट के उसको भी हम साइड रख लेते हैं। और फिर हम लेंगे 2 मीडियम आलू और उनको भी हम कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और उसको पानी में सोक करके साइड में रख देंगे। उसके बाद हम एक कुकर लेंगे और उसको हम फ्लेम पर चढ़ाएंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे और उसमें फिर हम थोड़ा सा उसके हीट आने पर थोड़ा सा वो गर्म हो जाए तो उसमें हम 30 ml ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हम उसमें ऐड करेंगे। आप जो भी ऑयल खाते हो, घी खाते हो, बटर, जो भी जिससे भी खाना पसंद हो वो आप कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम उसमें जीरा ऐड करेंगे। फिर वो जो हमने सब कटिंग करके रखे हुए थे तो हम उसमें चिली, अनियन और उसको अच्छे से सोटे कर लेंगे और सब मिला लेंगे उसको अच्छे से। देखिए उसको जब वो थोड़ा सा ऑयल में मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम गार्लिक ऐड कर देंगे, उसमें जो कटा हुआ हमने लहसुन लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिला देंगे। फिर इसमें हम जो हमने आलू सोक करके रखे थे वो उसमें हम ऐड कर देंगे और उसको भी हम अच्छे से सोटे कर लेंगे। और जब सोटे हो जाए तो सोटे होने के बाद हम इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे। और हमने इसमें 3 कटोरी चावल लिया है, छोटे वाले चावल लिए, बासमती राइस सबसे छोटे वाले। अब इसमें जब सोटे हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हम स्वादानुसार, जैसे भी अच्छा लगता है, कम ज़्यादा हम उतना कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किया है क्योंकि इसमें राइस भी है और आलू भी है तो उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ता है। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सोटे कर लेंगे। जब पूरा मसाला आलू उनके साथ चिपक जाए तो जो हमने चावल लिए थे उसको अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है पानी में, तो वो हम उसको पानी निकाल के फिर हम इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमने 3 कटोरी चावल लिया था तो हम इसमें 4 कटोरी पानी लेंगे। थोड़ा सा हमेशा चावल से ज़्यादा आना चाहिए या 1/2 इंच ऊपर वाटर इसके आना चाहिए, जिससे प्रॉपर वे में चावल पक जाते हैं। और 1 सीटी देंगे। अगर आपने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है तो 1 सीटी और अगर आपने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है तो 2 सीटी में राइस अच्छे से बन जाता है। अभी देखिए हमने इसमें 4 कटोरी पानी ऐड करके और उसके बाद इसमें हमने इसकी लड लगा दी है। और जैसे ही 2 विशल आएगा उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए कैसे राइस हुए हैं, कितने अच्छे छोटे वाले राइस, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और बासमती राइस जो सबसे छोटे वाले होते हैं ना, सर्दियों में इसको नमकीन चावल बनाओ आलू के साथ, मिक्स वेज के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद अब इसको आप इसमें थोड़े से काजू किशमिश डाल के ऊपर से गार्निश करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।